क्षेत्र की समस्त जनता दक्षिणी प्रांगण में बैठी है, जिनमें हमारी प्रमुख समस्या है क्षेत्र की वे संचार की समस्या। हमने पिछले 3 वर्षों से शासन प्रशासन को ज्ञापन दिया, हम मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन दिया, लेकिन हमारी कुछ मांगे सुनी नहीं गई, जिनमें प्रमुख मांग संचार की। आज हमारे क्षेत्र में लगभग 20,000 की आबादी होने के बावजूद भी सरकार द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा हमारे क्षेत्र में संचार की व्यवस्था नहीं दी जा रही है, तो इसका क्या कारण है? और दूसरी हमारी समस्या है सड़क की समस्या। आज़ादी के 70-72 साल के बावजूद भी आज हमारे ऐसे कुछ ग्राम सभा हैं जहाँ पर सड़क की व्यवस्था नहीं है। शासन, जब हम शासन को कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में सड़क की व्यवस्था नहीं, वो कहते हैं क्लीयरेंस नहीं आ रहा है फॉरेस्ट से, कभी कहते हैं विभाग की लापरवाही है, कभी कहते हैं आपके गाँव वालों ने आपको लगा दी है। बस इसी में टाल मटोल करके हमें बस यहाँ इस क्षेत्र से या इस धारसला प्रांगण से दक्षिण से भगा दिया जाता है। और तीसरी हमारी प्रमुख समस्या स्वास्थ्य की समस्या। क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में बिल्डिंगें तो बनी हैं, लेकिन वहाँ पर अधिकारी, विभाग में पदाधिकारी कोई कार्यरत नहीं है अभी तक। हमारे हर ग्राम सभा में एक एनएम सेंटर, एलोपैथिक सेंटर होने के बावजूद वहाँ पर बिल्कुल भी न डॉक्टर है, न एनएम है, न नर्स है। तो इसमें उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। चौथी शिक्षा की समस्या है। हमारे क्षेत्र में बिल्डिंगें तो बना दी गई हैं, लेकिन वहाँ पर न टीचर है, न बच्चे हैं, और वो सिर्फ टेंडर सिस्टम, टेंडर मात्र बन के रह जाता है। ठेकेदार आते हैं, 1-1 करोड़ के टेंडर लेते हैं, और वहाँ पर फिर दोबारा पढ़ाई नहीं की जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं, संचार, स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा, जब तक हमारी मांगों को, 13 सूत्री मांगों को शासन प्रशासन पूर्ण रूप से नहीं मानती है, तब तक युवा एकता शक्ति और क्षेत्र की जनता अनिश्चितकालीन अनशन करेगी।